डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं नवनाथ आड़े सर। आज की वीडियो में हम टूबी की दुनिया देखने वाले कि भाई ये टूबी अक्सर होता क्या है। तो ये जो भी वीडियो है इसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है सब सॉल्व होंगे। उम्मीद रखता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस में बी के फॉर्म होते हैं इज, एम, आर। डियर फ्रेंड्स, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के फर्स्ट डे में हमने सब्जेक्ट की जानकारी ली थी, उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट की जानकारी ली थी। आज हम सब्जेक्ट के साथ बी का क्या रोल होता है इसकी जानकारी लेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ सब्जेक्ट के हिसाब से बी का यूज़ करना है। तो यहाँ प्रेजेंट के हमारे तीन बी है, इज, एम, आर। तो ही के लिए हम इज को चुनेंगे, सी के लिए हम इज को चुनेंगे, इट के लिए इज, किसी नेम के लिए इज आएगा। जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके लिए हम इज लेते हैं, आई के लिए एम लेते हैं। अब प्लूरल सब्जेक्ट वी के लिए आर आएगा, दे के लिए आर आएगा, यू के लिए आर आएगा। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के इज, एम, आर, इसका मतलब होता है होना। नाउ लेट्स लुक सम सेंटेंसेस। वी से आई एम अ डॉक्टर, इसका हिंदी में मतलब होगा मैं एक डॉक्टर हूँ। ही इज अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। सी इज अ स्टूडेंट, वह छात्र है। इट इज माई स्कूल, यह मेरी स्कूल है। राम इज माई फ्रेंड, राम मेरा मित्र है। दे आर टीचर्स, वे अध्यापक है। यू आर डॉक्टर्स, तुम डॉक्टर हो। वी आर फार्मर्स, हम किसान है। प्रेजेंट टेंस के जो बी होते हैं वो सब्जेक्ट के बाद यहाँ कहाँ कहाँ आए हैं वो एक बार देखते हैं। आई के साथ एम आया है, ही के साथ इज है, सी के साथ इज है, इट के साथ इज है, राम के साथ इज है, दे के साथ आर है, यू के साथ आर है, वी के साथ आर है। नाउ सी द सेंटेंसेस। व्हाट अबाउट माय सिस्टर, माय सिस्टर एम, माय सिस्टर आर, माय सिस्टर इज, विच इज करेक्ट। द आंसर इज माय सिस्टर इज, क्योंकि यहाँ सिस्टर ये सिंगल है। नाउ लेट अस सी अनदर एग्जांपल्स। द कप्स, द कप्स एम, द कप्स आर, द कप्स इज, विच इज करेक्ट। द कप्स, कप्स ये प्लूरल है तो हम आर का यहाँ प्रयोग करेंगे, द कप्स आर। द आंसर इज द कप्स आर। हाउ टू मेक सिंपल सेंटेंसेस विद बी। नाउ हाउ कैन वी यूज बी, देर आर मेनी वेज। वी कैन यूज बी विथ नंबर। नाउ लुक सम एग्जाम्पल्स हियर्स। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, मैं 15 साल का हूँ। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, इसमें बी एम है और 15 नंबर है। आई एम 15 ईयर्स ओल्ड, तो इसका नेगेटिव होगा, आई एम नॉट 15 ईयर्स ओल्ड। वी कैन यूज बी विथ नाउन, नाम के साथ बी का प्रयोग कैसे किया जाता है। देखो यहाँ सेंटेंस दिया है ही इज अ डॉक्टर, यहाँ ही के बाद जो इज है वो बी है और आगे का डॉक्टर ये नाउन है। सेकंड एग्जांपल है इट इज अ कुक बुक, इसमें बी है इज और साथ में नाउन आया है अ कुक बुक। बी के साथ नाउन का नेगेटिव कैसे होगा, देखो यहाँ सेंटेंस दिया है पहले ही इज अ डॉक्टर, इसका नेगेटिव होगा ही इज नॉट अ डॉक्टर। सेकेंड एग्जाम्पल दिया है इट इज़ अ कुक बुक, इसका नेगेटिव होगा इट इज नॉट अ कुक बुक। यू कैन यूज बी विद एन एडजेक्टिव, बी का यूज एडजेक्टिव के साथ भी किया जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, एग्जाम्पल दिया है यहाँ वी आर हंग्री, इसमें जो बी है वो है आर और हंग्री ये एडजेक्टिव है तो हम भूखे हैं ऐसा इसका मतलब होगा। सेकंड एग्जांपल दिया है यू आर वेरी क्वाइट, इसमें बी है आर और इसमें जो एडजेक्टिव है वो है क्वाइट। यू आर वेरी क्वाइट, इसका हिंदी मतलब होगा आप बहुत शांत है। अब इस सेंटेंस का नेगेटिव कैसे होगा, देखो वी आर हंग्री, इसका नेगेटिव होगा वी आर नॉट हंग्री। डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने प्रेजेंट के जो टू बी होते हैं इज, एम, आर, उसकी पूरी डिटेल में जानकारी ली है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।